नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे होगी मनोकामनाओं की पूर्ति, जीवन की परेशानियां कैसे होंगी खत्म, शनि की महादशा से कैसे मिलेगी मुक्ति, कैसे बजरंग बली का मिलेगा आशीर्वाद, देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन चरित्र गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में समाया हुआ है, जिसे सामान्य भाषा में हम रामायण के नाम से जानते हैं। यूं तो इसके प्रत्येक चौपाई का पठन पाठन पुण्यदायी और प्रभु श्री राम के करीब ले जाने वाला है, लेकिन इसमें सबसे उत्तम सुंदरकांड को माना गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया गया है। अखंड रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व होता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया। चलिए पंडित जी, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे कालजयी रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस में सुंदरकांड को छोड़कर के अन्य सभी कांडों के नाम व्यक्त या सुक्तियों के नाम पर रखा गया है। जैसे बाल लीला कांड, मतलब बाल कांड का नाम बाल लीला पे रखा गया है। अयोध्या कांड का नाम अयोध्या की घटनाओं पे रखा गया है। जंगल में जो जीवन प्रभु ने बिताया, जंगल का नाम अरण्य के आधार पे अरण्य कांड रखा गया है। किष्किंधा की घटनाओं से किष्किंधा कांड रखा गया है। युद्ध के समय लंका के साथ जो युद्ध हुआ उसके आधार पे लंका कांड रखा गया है। जीवन के प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक रूप से उत्तर कांड में दिया गया है, मतलब वह उत्तर देने की बात कही गई है, सारे प्रश्नों का समाधान किया गया, इसलिए उत्तर कांड कहा गया। लेकिन सुंदर कांड का नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है, तीन पर्वतों से घिरी हुई। पहले क्या था, सुबैल, जहाँ मैदान का युद्ध हुआ। दूसरा था नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी और इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता का मिलन हुआ था, इसीलिए इस पूरे कांड का नाम सुंदर कांड रखा हुआ है। इस कारण से इस अध्याय के मुश्किल समय से पढ़ने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो संकट प्रभु श्री राम के ऊपर था, माता सीता और प्रभु श्री राम में जो दूरी वियोग था, यह वह संकट था जिसका कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। जब इंसान को किसी संकट का कोई समाधान न दिखाई दे तो उसको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा से आप दुखद से दुखद समय का विनाश कर सकते हैं और जल्द ही सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरकांड से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जब सुंदरकांड आप पढ़ते हैं तो वह हनुमान जी की प्रशंसा है और हनुमान जी प्रसन्न होकर के आपको बल देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, परेशानियों से परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। हनुमान जी को सप्त चिरंजीवियों में चिरंजीवी माना जाता है, जो कि आपके सब कष्टों का निवारण करने में सक्षम होते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, कोई काम न बन रहा हो, तो सुंदर कांड की पाठ करने की सलाह दी जाती है। इसके पाठ से आपके समस्त समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। भगवान श्री हनुमान जी स्वयं आपकी सहायता करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की थी, उसी तरह वो आपकी भी सहायक हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड की कथा सबसे अलग है और संपूर्ण रामचरितमानस भगवान राम के गुण और उनके पुरुषार्थ को दर्शाता है। लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान जी की विजय का कांड और विजय की गाथा कहता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला है। जैसे जामन जी जब कहते हैं कि काच उपसाद ही रहे बलवाना, मतलब अब किस बात की सोच करते हो, खड़े हो जाओ, उठो और अपना कार्य दिखाओ, अपना पौरुष दिखाओ, बल दिखाओ। इसी तरह से हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है हमें हमारी जागृत होती है और हर संकट हर परेशानी से लड़ने का सामर्थ्य अपने आप स्वस्फूर्त उत्पन्न हो जाता है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी जो कि वानर योनि उत्पन्न हुए थे, वो समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचे थे और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास आया। कैसे कुलंगय सिंधो सलिलम सलील यह शोक वहिनी जनकात्म जाया,
आदायवते नैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलि रांजनेयम्। मतलब एक ऐसा शख्स जो कहीं कोई उसको ज्ञान नहीं है, वह बिल्कुल भूला हुआ था अपनी शक्ति को, लेकिन अचानक से ईश्वर के पास उसको अपनी शक्ति का एहसास होता है और इतना बड़ा समुद्र लांघ करके जो है जाता है और इतने समृद्ध संपन्न जहाँ एक से एक बलशाली त्रिष्टा जैसी राक्षसी लंकनी जैसी जो सुरक्षा की प्रहरी है उसको उसका वध करते हैं और पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं अकेला व्यक्ति। यह प्रभु हनुमान जी की शक्ति और प्रभु श्री राम की कृपा के कारण से संभव हुआ और यही शक्ति कहीं न कहीं एक भक्त के जीत के लिए प्रेरित करता है कि यदि आपकी भक्ति प्रभु के श्री चरणों में है तो आपके अंदर जो असंभव कार्य है इस संसार में वह भी करने का सामर्थ्य प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो सुंदर कांड के पाठ से दूर हो जाती है। ब्रह्म अस्त्र तहीं साधा कपि मन कीन विचार और जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटाय अपार। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरह भव सिंधु बिना जल जान। मतलब अगर आपने प्रभु का नाम लिया है तो आपको किसी यान की जरूरत नहीं है, किसी जहाज की जरूरत नहीं है। इस जो समुद्र संसार रूपी समुद्र है इससे पार होने के लिए प्रभु श्री राम नाम का ही आपका चिंतन ही काफ़ी है। यदि आप उनकी शरण में उनका नाम लेते हैं तो इस भव जो रूपी संसार है यह आप इसको प्रभु नाम से पार कर जाएंगे, अर्थात आपको सदगति मिलेगी, इस जीवन का भी सुख भोगेंगे और जीवन के पश्चात प्रभु के श्री चरणों में आपको स्थान भी मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है और इसकी महिमा क्या है पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए क्यों किया जाता है आखिरकार सुंदरकांड का पाठ। हनुमान आराधना में मंगलवार को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु हनुमान का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था और मंगलवार के दिन महाबली हनुमान की पूजा का विशेष विधान किया गया है। बल बुद्ध विद्या के दाता माता सीता ने इनको वरदान दिया है कि आप बल बुद्धिमान मत होइए, आप बलवान मत होइए, विद्या बुद्धि बल के दाता हुई, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन जानकी माता। मतलब माता जानकी ने उनको ये वरदान दिया कि आठों सिद्धि नवनिधि आप दूसरे को दे सकते हैं। मतलब जैसे दुर्गा सप्तमी में आया है कि त्वामा श्रितानाम नविपन्नराणाम त्वामा श्रिताया श्रेता प्रयन्ति, कि जो आपके आश्रय में रहता है, जो माता जानकी के आश्रय में रहता है, वह न सिर्फ खुद आश्रय प्राप्त करता है बल्कि दूसरों के लिए आश्रय प्रदाता हो जाता है। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ भी लिखी सुंदरकांड में कि माता जानकी ने वरदान दिया हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो जो प्रभु हनुमान की आराधना पूजा करते हैं उन्हें हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ प्रदान करने में किंचित मात्र भी विलम्ब नहीं करते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। मंगलवार के दिन से आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं क्योंकि अभी भी हनुमान जी इस धरती पे जीवित हैं। ऐसी मान्यता है कि कहीं पर्वतों में वो प्रभु श्री राम के उपासना में जो है लगे हुए हैं और कलयुग में ये धरती पे विचरण करते हैं। मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना आरंभ कर दीजिए। ऐसी भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि चालीसा आप शुरू कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जो लगातार पाठ करते हैं श्रद्धापूर्वक उनको भी हनुमान जी की कृपा मिलती है। लेकिन सुंदरकांड तो सुंदरकांड है, इसका तो हर मनोरथ पूर्ण किया जा सकता है, इसके पाठ से हर जीवन के कष्ट को दूर किया जा सकता है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से सही नियमों के साथ अगर उपासना की जाए तो हनुमान जी की कृपा जरूर मिलती है। सुंदरकांड का पाठ आपको आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसके पाठ के दिन में कम से कम एक बार अगर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा। प्रायः शुरुआत में आपको एक घंटे दो घंटे भी ले सकते हैं लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो 35 से 40 मिनट का समय लगता है सुंदरकांड का पाठ करने में। कुल 60 दोहों का यह एक संकलन है। शांतम शाश्वत प्रेमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र मनसम वेदांत वेद्यम विमु। यह पहले हनुमान जी का ध्यान किया जाता है, इसके पश्चात क्रमशः पाठ किया जाता है। 60 दोहों के साथ ही इसका पूर्ण पाठ किया जाता है और इसका पाठ करते समय मन में शांत का भाव होना चाहिए। मानसिक रूप से मन शांत रहेगा तभी पाठ का आनंद मिलेगा और तभी पूर्ण ध्यान लग पाएगा हनुमान जी के प्रति। इस पाठ को आप मंगलवार और शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर आप नित्य नहीं कर पा रहे हैं सप्ताह में एक दिन करें। अच्छी तरह से सुंदरकांड का विधि विधान से आपको पाठ करना चाहिए। एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। हनुमान जी का चित्र रखें, उन्हें नैवेद्य में लड्डू का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं
और उसके बाद आप पाठ का शुरुआत करें। पाठ शुरुआत करने से आप मानसिक संकल्प ले सकते हैं, मानसिक संकल्प के अलावा आप हाथ में जल लेकर के संकल्प ले सकते हैं और पाठ फिर हनुमान जी का नाम लेकर शुरू कर दीजिए। लेकिन अंत में आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए और आपको जो है हनुमान जी की आरती भी विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि आरती के पश्चात ही पूजा संपन्न मानी जाती है। आरती को निराजन कहा जाता है, जो भी गलती छूट हो जाती है वह आरती से संपूर्ण हो जाती है। सभी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ विशेष फलकारी माना जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा संकट आ गया है जिसकी कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी को पकड़ लेना, सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर देना है। आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी आपको प्रसन्न होंगे और उस कठिनाई का कोई न कोई हल प्रभु जरूर आपको बताएंगे। बजरंग बली की कृपा आपको जरूर मिलेगी कि सभी दुख दूर हो सकते हैं हनुमान जी की कृपा से। और सुंदरकांड एक मात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित है और इस पाठ को करने से हनुमान जी की तरह आपके अंदर भी आत्मविश्वास और बल पौरुष की प्राप्ति होगी, जिससे आप कोई भी कार्य करने में सफल रहेंगे, कोई संकट आपके सामने नहीं टिकेगा। इस पाठ को करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता। एक बात आपको बताऊँ, अगर एक बार शुरू करके बिना खंडित किए अगर आपने 100 पाठ कर लिया सुंदरकांड का, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हनुमान जी आपका हाथ पकड़ लेंगे, कभी हनुमान जी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन के किसी भी मोड़ पे, चाहे आप आपकी अवस्था कुछ भी हो, आपकी आयु कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, स्थान भी कुछ भी हो, देश में है, विदेश में है, कहीं भी है, आपके साथ सदैव हनुमान जी चलेंगे। बस एक बार आपको बिना रुके, बिना आपको खंडित किए 100 बार सुंदरकांड का पाठ करना है। इसके बाद पूरे जीवन का इंश्योरेंस आपका हनुमान जी कर देंगे, कोई समस्या आपको जीवन में नहीं आएगी। जो आएगी उसका जिम्मेदार स्वयं हनुमान जी उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और आपकी रक्षा करने के लिए वो निश्चित रूप से आपके सामने, आपके पीछे वो हमेशा खड़े रहेंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ पंडित जी ये भी बताएं कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सुंदरकांड का तो पाठ कर लेते हैं लेकिन ना तो सावधानियां बरती जाती हैं, ना दर्शकों को ये भी पता होता है कि कैसे पाठ किया जाए सुंदरकांड का, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। सुंदरकांड श्री हनुमान जी की स्तुति है, उनकी वंदना है, उनके द्वारा किए गए कृत्यों का एक महात्मा का वर्णन है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले मन में विश्वास रखें, जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज संवारे वैसे हमारे भी सब कार्य को करेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहों में प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त स्नान ध्यान करके स्वच्छ होकर के और अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद हनुमान जी और श्री राम का आप चित्र या उनका मन में स्मरण करेंगे, उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प माला दीप ये सब आप जला करके भोग नैवेद्य गुड़ का मेवे का चने का इसका भोग लगा करके आप बेसन के लड्डू का बहुत प्रिय माना जाता है हनुमान जी को, उसको आप भोग में समर्पित कर सकते हैं और उसके बाद आप पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं या सिर्फ गणेश जी का ध्यान करें, ओम गणगणपतये नमः 5 बार या 7 बार आप करें, अपने पितरों और प्रभु श्री राम की वंदना करके सुंदरकांड के पाठ का आप आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ आप करते जाएं। सुंदरकांड का पाठ पूर्ण करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप पाठ करते रहें तो मन इधर उधर ना जाए, हनुमान जी और चौपाइयों पे ही ध्यान आपका बना रहे। उसके पश्चात जब पाठ पूर्ण हो जाता है हनुमान जी की आरती करें, श्री राम जी की आरती करें, कर सकते हो तो रामचरितमानस की भी आरती करें। सुंदरकांड प्रारंभ करने के पहले हनुमान जी और रामचंद्र जी का आवाहन भी जरूरी होता है, लेकिन अगर एक बार आपने चित्र या फोटो की व्यवस्था कर ली तो बार बार आवाहन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका ध्यान एक बार कर लें, उनके स्वरूप का एक बार स्मरण कर लें, चाहे मानसिक रूप से चाहे वाचिक रूप से बोल करके आप ध्यान कर सकते हैं। अंत में आरती करके और उनका पूजन करके आप अपने पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें, हनुमान जी को लाल वस्त्र पसंद है, तो ऐसे में मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र, सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं, निश्चित रूप से हनुमान जी कृपा इससे भी मिलेगी, इससे आपके सुंदरकांड के पाठ की शक्ति में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप सुंदरकांड का पाठ जब भी करते हैं तो यह बात ध्यान रखें कि आप सामान्य रूप से भी कर सकते हैं, आराम से अकेले भी बैठ के कर सकते हैं और संगीत के साथ, मतलब सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नौधा भक्ति कही गई है, नौधा भक्ति में
प्रथम भगत संदन संतन कर संगा, प्रथम जो भक्ति है वो संतों का संगत है। दूजा रतिमम कथा प्रसंगा, जो दूसरे तरह की भक्ति है वह होती है भगवान के प्रसंगों का वर्णन, उसमें आपकी प्रीति और वह तभी की जाती है, वह संगीतमय कर सकते हैं सामूहिक रूप से, मतलब भगवान का वर्णन जब आप करते हैं उनका गुणगान करते हैं सामूहिक रूप से संगीत के साथ, यह दूसरे तरह की भक्ति कही जाती है। हाँ, सुंदर कांड अगर आप प्रातः काल करते हैं तो यह सात्विक पूजा मानी जाती है। वैसे आप 24 घंटे में जब समय मिले एक नियत समय कर लें उसके बाद आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सुंदर कांड का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल का पाठ आपके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर आप पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब एक बार पाठ शुरू करें तो पाठ को बीच में खंडित न करें। शांतम शाश्वत प्रमेय अनुगम से लेकर के भवसिंधु बिना जलजान, यहाँ तक आपको पाठ जरूर करना चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद ही आप उठें, जब पाठ आपका पूर्ण हो जाए तो एक आचमन या एक बूंद जल आसन के नीचे गिरा करके अंगूठे से उसको जल को माथे पर लगाइए, शक्राय नमः करके आप आसन को छोड़िए। सुंदरकांड का पाठ करने के क्या लाभ है? क्या गृह दोषों से मुक्ति के लिए भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है? ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, गृह दोष अगर दूर करने हैं या किसी को गृह दोष में परेशानी हो रही है तो क्या अगर वो सुंदरकांड का पाठ करे तो इससे दूर हो सकते हैं गृह दोष? सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं, इसके आसपास कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं भटकती है। ये भी माना जाता है कि जब भक्त आत्मविश्वास का कम हो जाता है, जब वह कहीं ना कहीं दुख और मानसिक पीड़ा से गुजरता है तो वह हनुमान जी का ध्यान करके मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ हो या सुंदरकांड का पाठ हो, या कहीं ना कहीं हनुमान की कृपा का कारण बनता है। हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता है और विज्ञान ने भी सुंदरकांड के महत्व को कहीं ना कहीं तय किया है, क्योंकि जैसी आपकी मनोदशा होती है वह मनोवैज्ञानिक रूप से आपको प्रभावित करता है, आपके मन को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को मजबूत करता है सुंदरकांड का पाठ, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा एक एक अर्थ भक्त के जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देता है। जब विभीषण जी अपने भाई रावण को समझाते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंत, मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने छोटी सी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी कि काम मतलब आपके अपने जीवन में जो अलग से वैवाहिक संबंध लोग बनाते हैं, अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, और क्रोध और लालच जो आपकी वस्तु उसके प्रति लालच अगर आप करते हैं, तीन चीज काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, तो कहीं ना कहीं यह आपके नष्ट होने का कारण बनते हैं, मतलब आपको नरक की तरफ ले जाते हैं, आपको नष्ट कर देते हैं। ये ऐसी तरह से जितनी भी चौपाइयाँ हैं सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संदेश देती हैं अपने भक्तों को। यदि संभव हो तो छात्रों को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। ये पाठ उनके भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनको सफलता के और करीब ले जाते हैं। लेकिन यदि आप सुंदरकांड के सूक्तियों का अर्थ जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इससे सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरशा चल रही है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा, शनि की दशा निष्प्रभावी हो जाएगी। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी कुंडली देखने वाला हस्तरेखा विशेषज्ञ आपके फलादेश को नहीं कर पाएगा अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना आरंभ कर देंगे, क्योंकि शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और क्योंकि शनि देव भी हनुमान जी से भय खाते हैं, ऐसे में सुंदरकांड का पाठ बहुत लाभकारी होगा। ऐसी मान्यता है कि जिन जातकों के ऊपर मंगल या शनि की कोई भी दशा चल रही है तो सुंदरकांड का पाठ उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर किसी और भी बुरे ग्रह की दशा चल रही है, राहु का या सूर्य की पीड़ा है, तो भी सुंदरकांड का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं, सूर्य का सीधा संबंध हनुमान जी से माना जाता है, तो ऐसे सुंदरकांड का पाठ सूर्य ग्रह को भी मजबूत करता है। परिवार में कोई बीमार है उसके लिए भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। कोई आपकी नौकरी नहीं मिल रही उसके लिए भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर अधिक कर्ज हो गया है, लोन की शिकायत आपको ज़्यादा हो गई, आपके ऊपर कर्ज नहीं उतर रहा है, तो ऐसे में भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं मंगलवार से आरंभ करके। सुंदरकांड का पाठ करने से गृह कलेश से भी छुटकारा मिलता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आवास होता है। जीवन साथी के प्रति आपके मन में सद्विचार आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सुंदरकांड का पाठ करने से किसी भी तरह की जो इंसानी बुराइयां हैं वो हावी नहीं होती हैं। व्यक्ति सदाचार प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है, आत्मविश्वास प्रदान करते हैं हनुमान जी, बल मिलता है,
शारीरिक बल मिलता है और सबसे बड़ी बात है जिस भी कार्य को ठान लेता है व्यक्ति वह जरूर पूर्ण कर पाता है जो हनुमान जी का भक्त है, क्योंकि जैसा भक्त होता है उसी की छवि उसके साधक और उसके भक्तों में होती है। देखिए एक बात बताऊँ आपको कि जब आप हनुमान जी या किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं वो चाहे जैसे करें, जैसे आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको जानबूझ के भी अगर आपको कोई मीठी चीज़ खाते हैं जानबूझ के तो मीठा लगता है, लेकिन अगर अनजाने में भी अगर आप मीठी चीज़ खाएंगे तो मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने आपके मुंह में ज़बरदस्ती कुछ मीठा खिलाया तो मीठा नहीं लगेगा, लगेगा चाहे आप जान के करें चाहे अनजाने में करें। उसी तरह से अगर आप बिस्का भी सेवन जानबूझ के करते हैं तो भी आपके लिए हानिकारक है, अनजाने में करते हैं तो भी हानिकारक है। इसी तरह से हनुमान जी का नाम, हनुमान जी के गुणों का वर्णन चाहे सुंदरकांड के रूप में, चाहे हनुमान चालीसा के रूप में, चाहे किसी भी स्वरूप में आप जैसे भी उनका स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, यह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लाभकारी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जाने में किया अनजाने में किया, आप बहुत बड़े विधि विधान के जानकार हैं या नहीं हैं, ये तो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई कैसे आप पूर्ण रूप से एक अनुष्ठान के रूप में इसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सब नहीं कर पाते, आप किसी भी तरह से किसी भी दशा अवस्था में आप जब पाठ कर करके और हनुमान जी की कृपा के भागी बन सकते हैं। जब एक बार हनुमान जी प्रसन्न हो गए फिर क्या ही कहना, जीवन आपका जरूर जैसे सुंदरकांड है वैसे आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में जाना कि सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं और सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही, आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।